दोस्त धीरे चलना। क्यों? हम स्कूल टाइम पर पहुंच जाएंगे क्या? हाँ, और टाइम पर पहुंच गए तो स्कूल में दिवाली की तैयारी हमें भी करनी पड़ेगी। अरे स्कूल की तैयारी छोड़, हमारी खुद की तैयारी नहीं है दिवाली की। हाँ, पटाखे ही नहीं है हमारे पास। अरे पटाखे! अरे भागो! थोड़ा पहले पहुँचते तो इन पटाखों को फूटने से पहले हम ले जाते। अरे लेकर तो हम अभी भी ले जा सकते हैं। वो देख, वो पटाखा फूटा नहीं है। अरे ये देख, ये भी फूटा नहीं है। तुझे पता है ये पटाखे क्यों नहीं फूटे? क्योंकि इनका नसीब ही फूटा है और हमारा अच्छा। देखो कैसी लगी हमारी रंगोली? एकदम पटाखा लग रही है। पटाखा? हाँ, पटाखा है क्या? नहीं है, और हमें पटाखे छुड़ाने भी नहीं है। हाँ? अरे वाह, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा कंदील बनाया है। हाँ? इसमें सुतली बॉम लगाओगे ना तो और मजा आएगा। अरे इसमें बॉम्ब नहीं, बल्ब लगाकर आसमान में लटकाते हैं। हाँ, यानी इनके पास भी पटाखे नहीं है। दोस्त यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि दिवाली है। हाँ यार, किसी के पास भी पटाखे नहीं है। मेरे बैग में है पटाखे। हाँ? अरे वाह, दिखा तो थे ही कहते पटाखे। अरे ये तो मैंने भी अभी तक नहीं देखे। लंदन के इम्पोर्टेड पटाखे है मेरे पास, एकदम सील्ड पैक। शाम को दिखाऊंगा तुम सबको। अरे वाह करण, तब तो ये बहुत जोर से फूटे होंगे। हाँ, अगर हम इसे स्कूल में फोड़ेंगे तो इसकी आवाज लंदन तक जाएगी। वाह करण, तब तो हम तेरे साथ ही मिलकर ये पटाखे फोड़ेंगे। क्यों, मेरे साथ क्यों फोड़ोगे? छे, चार पटाखे क्या आ गए करण के पास? ये तो अपने आप को पटाखा किंग समझने लगा। अरे चार पटाखे उसके पास नहीं, हमारे पास है। हाँ यार, तो क्या इस बार अपनी दिवाली फुस हो जाएगी? सिर्फ फुस नहीं, फुस फुस हो जाएगी, क्योंकि हम दो है ना। बुध, दिवाली सिर्फ हमारी ही नहीं, करण की भी फुस होगी। एक बार इसका बैग हमारे हाथ में आ जाए तो इसके छक्के छूट जाएंगे और हमारे पटाखे। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पटेल अंकल, पाइप दीजिए, स्टैचू को हम सर्व करते हैं। हाँ, हमने अपने सब काम निपटा दिए हैं और आपके बहुत काम बाकी होंगे ना? हाँ, काम तो बहुत बाकी है। तो जाइए ना, ये हम पर छोड़ दीजिए। ये तुम लोगों ने क्या किया? क्या हुआ करण? सर, इन लोगों ने मेरे ऊपर पानी डाला। बद्री और बुध, ये आप लोग क्या कर रहे हो? हा? आज दिवाली है, होली नहीं। सॉरी सर, वो गलती से हो गया। सर, हम तो आपके दादाजी को नहला रहे थे, बीच में करण आ गया। अरे वाह, ये तो बड़ा सही काम कर रहे थे, शाबाश। अरे कोई बीच में नहाने पाए। अब इसके पटाखे तो फुस हो गए होंगे और अब उन पटाखों को देखकर ये भी फुस हो जाएगा।
अरे वाह, इस पॉलिथीन के बैग ने मेरे पटाखे को भीगने से बचा दिया। दोस्त, लगता है हमारे नसीब में फूट फूट कर रोना है, पटाखे फोड़ना नहीं। दुबे जी, कोई फूट फूट के रोए या झूठ मूठ के रोए, हम तो दिवाली बिना पटाखों के मनाएंगे। हाँ हाँ सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम तो पटाखों के नाम से ही फटने लगते हैं। सुनो दोस्त, राठी सर ने क्या कहा? यही कि स्कूल में पटाखे छुड़ाना मना है। तो इसका मतलब अगर हम अपने वो चार पटाखे चुपकर छुड़ा दें, तो स्कूल में हंगामा मच जाएगा। हाँ, और नाम करण का आएगा, क्योंकि पटाखे तो उसी के पास है। तो चल शुरू करते हैं अपने देसी पटाखों का धूम धड़ाका। अरे कहाँ बैठ गए सर? वाह शाबाश, बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई तुम दोनों ने। थैंक यू सर। दोस्त, अपना ये पटाखा तो फुस हो गया। हाँ यार, दुबे सर का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया बेचारा। मारी ट्रॉफीज। पटाखे? मेरे मना करने के बाद भी पटाखे कैसे है स्कूल में? दुबे जी! सर, हमें पता है ये हरकत किसने की होगी। दुबे जी, अंदाजा मत लगाइए, सबको क्लास में बुलाइए, हम खुद पता लगाते हैं कि कौन लाया है स्कूल में पटाखे। सर, जीवा के बैग में तो पराठे हैं, पटाखे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब तो करण के पटाखे नहीं, करण फूटेगा। हाँ, बहुत टशन दिखा रहा था अपने पटाखों पे। दुबे जी, टाइम पास मत कीजिए, ज्ञान के बैग में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट। करण, अपना बैग लेकर आओ। अब आएगा मजा। ये तो खाली है, तो बैग लाए ही क्यों थे? हाँ सर, दिवाली गिफ्ट लेने जाने के लिए। अरे इसका बैग खाली, पटाखे कहाँ गए? बुध और बद्री, बातें बाद में, बैग लेकर आओ। सर मिल गए पटाखे। क्या, बद्री के बैग में पटाखे? सर हमें तो पहले से ही शक था कि ये काम इन दोनों का ही होगा। अरे दुबे जी, ये फटने वाले नहीं बल्कि डेकोरेशन वाले पटाखे हैं, नॉइज पॉल्यूशन फ्री, जो सिर्फ आसमान में जाके जलते हैं, यानी बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ। अरे ये बात डैडी ने मुझे बताया ही नहीं। बुध और बद्री शाबाश। हमें ऐसे ही पटाखों से दिवाली मनानी चाहिए। लेकिन सर, हमें ये भी पता करना चाहिए कि वो पटाखे किसने फोड़े थे। रे दुबे जी, ये जिसने भी छोड़े होंगे दिवाली की वजह से, मैं उनको माफ करता हूँ। लेकिन सर, ये पटाखे मैं। अरे अरे, अब कोई तू तू मैं नहीं, ये क्रैकर्स हम सब मिलकर आसमान में छुड़ाएंगे और सेफ दिवाली मनाएंगे। दुबे जी, दिवाली की सब तैयारी हो गई ना? सर सब कुछ तैयार है।